हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से एक नई जॉब और वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CMTI यानी सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो जिन दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा या BE/BTECH कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और सिविल इंजीनियरिंग के सभी लेटेस्ट जॉब के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो हम हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। CMTI अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आती है और आपका जो नोटिफिकेशन है ये 24 जून 2022 को रिलीज हुआ है और यहाँ पर लिखा है ग्रेजुएट इंजीनियर टेक्निकल एंड टेक्नीशियन डिप्लोमा कैंडिडेट रिक्वायर। यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत ही अच्छा मौका आया है। ये भारत की एक बड़ी संस्था है और यहाँ पर जो है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना तो आपका कोई एग्ज़ाम होना है और ना ही आपकी कोई एग्ज़ाम फीस लगनी है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अलग अलग ब्रांच के लिए वैकेंसी है और इसकी डेट भी अलग अलग है। अगर हम बात करें सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से जो भी हमारे दोस्त हैं, उनका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 26 जुलाई 2022 ट्यूजडे के दिन है। अगर हम बात करें अपनी ब्रांच सिविल की, सिविल लाइब्रेरी साइंस और मैकेनिकल वालों की, तो इनका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है ये 28 जुलाई 2022 को थर्सडे के दिन होगा। आपका जो इंटरव्यू है ये होना है सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट सेंटर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट तुमकुर रोड बेंगलुरु में। यहाँ पर जो है आपको पहुँच जाना है दी गई तारीख में 9 से 10 बजे के बीच। वहाँ पर रजिस्टर में आपको अपना नाम लिखवाना होगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी दोस्त हमारे 2020, 2021 और 2022 में पास आउट होने वाले हैं या हो गए हैं, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है। और यहाँ पर जो है आपको अपना CV जो है यहाँ पर एक इन्होंने ईमेल दे रखी है, इस पर आपको सेंड करना होगा। बाकी इन्होंने एक कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड कराया है, अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई क्लेरिफिकेशन करना हो तो आप लोग जो है इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर बात करें कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, तो आपको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और आपके जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं लाइक मार्कशीट, गवर्नमेंट ID प्रूफ, आपका आधार कार्ड, आपका जो बैंक पासबुक है, ये सारे जो है आपको लेकर जाने होंगे और आपको जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ भी लेकर जाने होंगे। अगर हम बात कर लें टाइप ऑफ अप्रेंटिस की, तो ग्रेजुएट यानी जिन भी दोस्तों ने हमारे BE/BTECH कर रखा है उनको जो स्टिपेंड है एक महीने से लेकर 6 महीने तक मिलने वाला है 9,000 रुपये, और 7 महीने से लेकर आपका जो 12वां महीना होगा उसमें आपको 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा जिन दोस्तों ने हमारे कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, उनको स्टिपेंड जो है 1 महीने से लेकर 6 महीने तक 8,000 रुपये मिलने वाला है और 7 से लेकर 12 तक 10,000 रुपये प्रति मंथ। और इसके साथ साथ में इन्होंने बताया है कि नोट में करके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देयर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड। यानी जब आपकी पहली 6 महीने की अप्रेंटिसशिप हो जाएगी तब ये आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, तब ये आपको जो है स्टिपेंड बढ़ाकर दिया जाएगा। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो फिर इन्होंने कहा है फॉर मोर डिटेल, इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 07/2022 है। अगर हम बात करें CMTI का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये तो है इनका तुमकुर रोड बेंगलुरु में, और जो इनका रीजनल सेंटर है ये है राजकोट गुजरात में। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BE/BTECH या डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में और वो पास आउट हैं 2020, 21 और 22 के, तो उन लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने का। आपको पैसे के साथ साथ में यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा जो आपके आगे भविष्य में काम आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और किसी ज़रूरतमंद को शेयर करिएगा।
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।